इंतकाम की आग दूसरों के साथ अपनों को भी जलाकर राख कर देती है। ताजा मामला राजस्थान के भरतपुर की पॉश कॉलोनी सूर्या सिटी का है, जहां एक महिला डॉक्टर ने अपने डॉक्टर पति की प्रेमिका के घर को न सिर्फ आग के हवाले कर दिया बल्कि बाहर से कुंडी भी बंद कर दी। वहीं इसके चलते दम घुटने से घर में मौजूद युवती और उसके 6 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि बचाने के प्रयास में उसका भाई भी झुलस गया। आपको बता दें कि युवती डॉक्टर दंपत्ति की क्लिनिक पर काम किया करती थी। वहीं इसी बीच पति से अफेयर की खबर लगने पर महिला डॉक्टर ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। बावजूद डॉक्टर और युवती का मिलना जुलना जारी था और डॉक्टर ने अपनी प्रेमिका को रहने के लिए एक मकान भी दे रखा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान डॉक्टर की पत्नी कथित प्रेमिका को समझाने के लिए घर गई थी। वहीं इसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी चल रही थी कि अचानक उग्र हुई महिला डॉक्टर ने अपने साथ लाई स्प्रिट की बोतल को फर्नीचर पर डालकर आग लगा दी और घर के बाहर से कुंडी भी बंद कर दी। इस बीच आग इतनी भयानक हो गई कि कोई भी घर में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वहीं मौके पर पहुंचे युवती के भाई ने घर में घुसने का प्रयास किया लेकिन वो भी झुलस गया। हालांकि मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉक्टर और उसकी आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया है और मामले की कार्रवाई में जुट गई है। स्पेशल डेस्क जनमत न्यूज़।